नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल इंडिया वर्ल्ड 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अनुराग। लगातार मैंने कार्वी पर अपडेट दिया है और लगातार आगे भी आपको अपडेट मिलती रहेगी। जितने भी नए व्यूवर्स हैं, मैं उनसे ज़रूर कहूँगा कि आपको कार्वी की अपडेट और अच्छे से स्टॉक के बारे में, अच्छे म्यूचुअल फंड के बारे में आपको जानकारी चाहिए और अच्छी अच्छी, तो लगातार मेरी वीडियो आती रहेगी। तो जितने भी नए व्यूवर हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आगे की भी जो वीडियो है आपको मिल सके। तो जो लेटेस्ट अपडेट के साथ में है, क्या कि कार्वी के साथ में मैंने जो थंबनेल में बोला कि हाँ, क्या आपके स्टॉक छीन लिए जा सकते हैं, वाकई ये जो न्यूज आई है थोड़ा सा तो है कहने के हिलाने वाली, लेकिन आप पूरी चीज़ों को आप ध्यान से सुनिएगा, पूरे वीडियो को कहीं से आप स्किप मत करिएगा। तो आप इस चीज़ को आप समझिएगा कि है क्या कि 16 तारीख को जो है एक न्यूज़ आई एक्सिस बैंक के द्वारा और एक्सिस की द्वारा। और ये एक्सिस का अब ये मैटर क्या था, आपका जो है नवंबर 2019 में जब ये सारा मामला, ये कांड, कार्वी कांड हुआ, तो उसमें क्या हुआ कि सेबी ने जो है बोला, क्योंकि भाई उसमें जो लोन देने वाले बैंक थे, आपके बजाज फाइनेंस थी, HDFC बैंक थी, इंडसइंड बैंक थी, ICICI बैंक थी और एक्सिस बैंक थी, तो इन सारे बैंकों ने लोन दिया था। तो लोन किस बिहाफ पे दिया था, लोन जो दिया था कहीं ना कहीं कार्वी ने क्या किया था, अपने डीमैट अकाउंट होल्डरों के जितने स्टॉक थे उनको पूल में रख के उसी स्टॉक से उन्होंने जो है उस स्टॉक को उठा के दे दिया था इन बैंकों को, और उसी पे इन्होंने पैसे ले लिए थे और उस पैसे को कार्वी रियल इस्टेट में लगाया था और उस पर ट्रेडिंग भी किया हुआ था। तो अब है क्या कि सेबी को जब ये मामला पता चला तो सेबी ने बोला भाई ये गलत तरीके से लोन दिया गया है, डीमैट अकाउंट होल्डरों का ये स्टॉक है, उनका स्टॉक वापस किया जाए। तो उसी समय जो है नवंबर में बहुत सारे लोगों का स्टॉक ट्रांसफर हुआ था, और उस समय आपको बताऊं जिनका अकाउंट NSDL में था, तो उन NSDL वालों के बहुत ज़्यादा स्टॉक जो है ट्रांसफर हुए, जिसमें एक्सिस बैंक के पास जो गिरवी रखे हुए शेयर थे वो भी ट्रांसफर हो गए, और वो जो ट्रांसफर हुए काफ़ी लोगों के डीमैट अकाउंट में चले आए, जैसे हम आप जैसे निवेशकों के डीमैट अकाउंट में चले आए नवंबर में ही। अब उसमें क्या हुआ कि जब ये सेबी ने ये किया तो ये सारे बजाज फाइनेंस और आपके HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, ये सब चले गए सैट के पास, सेबी से ऊपर सैट के पास। जब सैट के पास चले गए, सैट को सारी चीज़ें बताई उन्होंने, तो सैट ने इनको टाइम दिया। इस बीच में तो बजाज फाइनेंस और HDFC का, ICICI बैंक का मामला तो क्लियर हुआ, और कार्वी जब ये बैंक इनके ऊपर दबाव बनाया तो इन्होंने पैसा भी देना शुरू किया, कार्वी ने उनको पैसा भी दिया। एक्सिस बैंक का मामला भी लटक रहा था, तो 16 तारीख में उसमें एक्सिस बैंक के प्रवक्ता ने जो है वहाँ पे बहस किया सैट के सामने कि भाई पावर ऑफ अटर्नी यदि आपने दिया हुआ है, एक एग्जांपल लीजिएगा कि पावर ऑफ अटर्नी जैसे आपने दे दिया तो सामने वाले के पास आपने पूरा अधिकार दे दिया, आपकी वो संपत्ति को चाहे कुछ भी कर सकता है। तो पावर ऑफ अटर्नी दिया आपने, तो मैटर क्या है कि यदि पावर ऑफ अटर्नी आपने दे दिया है तो फिर आपका उस पर अधिकार नहीं बनता है। यदि पावर ऑफ अटर्नी निवेशकों ने दिया हुआ है, डीमैट अकाउंट होल्डरों ने दिया है, तो कार्वी उस स्टॉक को कुछ भी कर सकती है। यहाँ पे जो फंसेगा वो व्यक्ति फंसेगा डीमैट अकाउंट होल्डर, क्योंकि उसने पावर ऑफ अटर्नी दी हुई है, ये एक्सिस बैंक के प्रवक्ता ने कहा। तो कहीं ना कहीं ये जो स्टॉक हमने लिए थे गिरवी, तो वो जो है उसमें डीमैट अकाउंट होल्डरों की फॉल्ट है, और हमारा स्टॉक हमने उस पर पैसे दिए हुए हैं, यदि वहाँ पर यदि स्टॉक हमसे ले लिया, सेबी ने ये गलत कार्रवाई किया था और वो सारा स्टॉक जो है कहीं ना कहीं हमसे दोबारा वापस लेके डीमैट अकाउंट होल्डरों के खाते में डाल दिया गया, तो हमारा पैसा या तो तुरंत दिया जाए या तो वो स्टॉक फिर हमारे पास में वापस किए जाए, क्योंकि पावर ऑफ अटर्नी यदि कहीं ना कहीं निवेशक ने दिया है कार्वी को, तो ये निवेशक की प्रॉब्लम है, ये कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग की नहीं है। तो यहाँ पे होगा क्या कि या तो कार्वी डीमैट अकाउंट होल्डरों के माध्यम से जो जितने भी डीमैट अकाउंट होल्डर हैं जिनके मेरे स्टॉक जो उनके अकाउंट में गए हैं, दोबारा से वो सारे स्टॉक मेरे पास आने चाहिए या तो मेरा पैसा क्लियर होना चाहिए। तो इस पे सैट ने राहत दिया इनको 5 दिन का कि भाई ठीक है, कार्वी आपका सारा जो है सारे मामलों को सेटलमेंट करेगी। अब यहाँ पे ये आया कि भाई कार्वी ने ये सारा कुछ किया हुआ था, तो टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है, हमारे आपके स्टॉक कहीं नहीं जाने वाले हैं जो डीमैट में आ चुके हैं। अब उसमें क्या है कि कार्वी ने अभी तक जैसे हमारा आपका पैसा नहीं दिया, ना ही पे आउट किए, ना ही बहुत सारे स्टॉक को उसने पुल में डाला, उसका रीज़न ये रहा कि उन्होंने इन बैंकों को और फाइनेंस कंपनियों का पैसा अभी तक उन्होंने निपटाने की कोशिश की है। और अब इन 5-6 दिनों में जो भी है एक्सिस बैंक का भी ये पैसा निपटाने की कोशिश करेंगे, 185 करोड़ के आसपास एक्सिस बैंक का भी पैसा है। आज की डेट में आपको बताऊँ, आज 17 तारीख है, 17 तारीख की डेट में इन्होंने एक लेटर इशू किया हुआ है, मैं आपको बताऊँ जो मेरे लेजर पे होल्डिंग में भी आया था ऊपर से ही, आप जाएंगे अपने फ्रेंचाइजी में, अपने सिटी में फ्रेंचाइजी पे जाइए
तो वहाँ पे भी आप अपना लेजर खुलवाइए, तो वहाँ पे ही आपको ये कार्वी के द्वारा से ये लेटर इशू किया गया। इसमें आप देख सकते हैं ये सारे स्टॉक जो भी मेरे हैं, मैं पूरा दिखाना नहीं चाहूँगा क्योंकि ये पोर्टफोलियो है मेरी, तो ये जितने स्टॉक हैं एक सरसरी निगाह से आप देख सकते हैं ये जितने स्टॉक अभी ये पूल में हैं। तो जो मेरा पैसा है कैश, उस पर भी इन्होंने बोल रखा है कि जो पैसा है आपका कैश और जो स्टॉक है जो आपके पूल में है सारा हम आपको दे देंगे, लेकिन जो है कुछ मामला अभी हमारा सेटलमेंट हो रहा है, कैश नहीं आया है। और इन्होंने 20 से 25 दिन का टाइम मांगा हुआ है सी पारसार्थी के द्वारा। ये न्यूज़ है कि सी पारसार्थी के द्वारा ये बोला गया है कि आपका लेटर इन्होंने इशू कर दिया कि आपके स्टॉक, अभी तक तो ये था कि हमारे आपके स्टॉक पूल में थे लेकिन उस पर ये था कि हम दावा नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये आज बहुत अच्छी बात है कि 17 तारीख की डेट में इन्होंने एक लेटर इशू किया कि आपके इतने स्टॉक ये पूल में है, ये भी हम आपको दे देंगे 20 से 25 दिनों के अंदर, और आपका जो पेमेंट है वो भी हम आपको जो है दे देंगे। तो आज आप जाइएगा, जैसे कुछ लोगों का कमेंट आता है कि सर मेरे स्टॉक नहीं दिख रहे हैं, मेरा पैसा नहीं दिख रहा है, तो ज़रूर आज इस लेटर को आप ज़रूर निकलवा लीजिएगा। वहाँ जाके लेटर निकलवा लेंगे तो आपके पास एक साक्ष्य होगा, एक प्रूफ होगा कि आपका पैसा कितना है कार्बी के पास, आपके कौन से स्टॉक पूल में थे, क्योंकि डीमैट में है वो तो दिखाई रहे, लेकिन जितने आपके स्टॉक पूल में है, तो बाय द वे आने वाले फ्यूचर में यदि कभी भी कोई कार्बी पे कोई कार्रवाई हो गई, सेबी ने यदि कहीं ना कहीं कार्बी को सस्पेंड और टर्मिनेट पूर्ण रूप से कर दिया, कार्बी को ख़त्म कर दिया, तो वहाँ आपके पास ये प्रूफ होगा और आप इस चीज़ को सेबी के सामने रख सकते हैं कि मेरा ये पैसा है, मेरा ये स्टॉक पूल में था, ये सारी चीज़ें मुझे वापस की जाए। तो ये जरूर प्रूफ के तौर पर आप ज़रूर इसको जो है प्रिंट आउट कराइए वहाँ जाके, ये आपको मिलेगा। कहाँ, दोबारा मैं फिर बता देता हूँ कि आप अपने सिटी में फ्रेंचाइजी पे जाइए और वहाँ बोलिए मेरा लेजर क्लाइंट आईडी ये है, डालिए खोलिए और वहाँ पे ये लेटर लिखा हुआ है, लेटर आपको ग्रीन ग्रीन करके ऊपर ही आ जाएगा जब आप लेजर खोलोगे, तो उसको डाउनलोड करके निकाल लीजिए कि आपके पास प्रूफ है। सी पारसार्थी ने बोला आज 17 तारीख है, आज 17 जनवरी है, आज से उन्होंने बोला है कि 20 से 25 दिन, मतलब आप समझ के जाओ कि ये 15 फरवरी तक होने वाला है मैटर। इनको 23 तारीख तक तो इनको सेबी की तरफ से मिला ही, सेबी तरफ से इन्होंने डेट लिया ही हुआ है कि 23 तारीख तक हम लोगों का पे आउट शुरू करेंगे, लेकिन अब आपको बताएं ये लेटर इन्होंने क्यों इशू किया वो भी आप समझ लो। लेटर इशू करने का इनके ऊपर ये रहा कि भाई बैंकों का पे आउट तो कर ही रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे डीमैट अकाउंट होल्डर हैं हम आप जैसे, जिनका पेमेंट बहुत ज़्यादा है, 10 लाख 20 लाख 25 लाख, जिनकी जीवन भर की जमा पूंजी है, तो उन लोगों ने इनके खिलाफ FIR किया। FIR करने से हुआ क्या है कि अब हुआ क्या है कि इन लोगों ने, कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग ने उन लोगों का पैसा डालना पहले शुरू किया। भाई जो पहले परेशान इनको कर रहा है, पहले कहीं ना कहीं एक तरीके से बोला जाए तो FIR कर दिया, तो कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया, तो उन लोगों का पे आउट करने पे लगे हुए हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि इनके खिलाफ यदि आप FIR जाते हैं तो पहले से ये कंपनियाँ गाइडलाइन बनाए होती है कि यदि आप FIR करते हैं आप अपने सिटी में, तो सीधा इनको हैदराबाद आपको जाना पड़ेगा, इनका न्यायालय का सारा कार्यक्रम इनका हैदराबाद से ही होगा। तो इस वजह से इन्होंने लेटर इशू कर दिया है, क्योंकि जो अमिताभ चतुर्वेदी जी हैं वो बहुत ही बेहतर जो है CEO है, और उन्होंने लेटर इशू करके ये संतावना देने की कोशिश की है कि थोड़ा सा रुक जाइए, हम 20-25 दिनों में क्लियर करेंगे। तो यही सारा लेटेस्ट अपडेट रहा है, और आगे भी अपडेट पाने के लिए बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आगे की भी वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों।